नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आज हम हमारी इस वीडियो में जेट 2023 में या जेट एग्जाम में जो पेमेंट और नॉर्मल सीट होते हैं दोस्तों क्या उनका क्या रोल होता है, वो क्या होते हैं और उनकी फीस क्या क्या होती है और क्या क्या प्रोसेस होता है, पेमेंट का कितनी कट ऑफ रहती है, उसी के बारे में आज हम हमारी इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पेमेंट सीट एक तरीके से डोनेशन सीट होती है जिससे आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन कम नंबर पर ले सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं बता दूं इनमें मेन रोल क्या होता है, जैसे कि अगर आपके किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और उसकी फ़ीस मान लीजिए एग्जांपल के रूप में 11,000 रुपये किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की फ़ीस है एग्रीकल्चर कॉलेज की, और अगर नॉर्मल सीट को छोड़ करके अगर आपको नॉर्मल सीट नहीं मिलती, आप पेमेंट सीट पर एडमिशन लेते हैं तो आपको उसके तकरीबन 3 गुना फीस चुकानी पड़ेगी, यानी 33,000 फीस आपको चुकानी पड़ेगी। लेकिन जैसा कि यूट्यूब पे सबको लोग अधिकतर बताते हैं कि 3 गुना फीस यानी 33,000 फीस आपको चुकानी पड़ेगी, और जो शेड्यूल आता है या लिस्ट आती है जो सीट मैट्रिक्स आती है उसमें भी ये तकरीबन 33,000 फीस ही दिखाता है। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो दोस्तों आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको अलग ही प्रोसेस देखने को मिलता है। आप नॉर्मल सीट की जो फीस है वो और साथ में पेमेंट सीट की है वो फीस भी आप पे करेंगे दोस्तों साथ में। ये यूनिवर्सिटी का एक तरीके से रूल बनाया गया है जो नॉर्मल सीट वालों को थोड़ा सा प्रॉफिट देता है और पेमेंट सीट वालों को लॉस दे रहा है दोस्तों। जैसा कि 11,000 आपके वो हो गए नॉर्मल के और आपके साथ में 33,000 वो हो गए, तो आप 44,000 फीस पे करेंगे आपकी अपनी पेमेंट सीट के लिए, जबकि जो नॉर्मल सीट वाले बंदे रहेंगे उनको अपने कैटेगरी वाइज और कई अन्य कोटों से उस फीस में रिलैक्सेशन मिलती रहेगी, छूट मिलती रहेगी। जैसे 11,000 फीस है तो कैटेगरी वाइज OBC ST SC EWS के वाइज उनको फीस में 8,000-7,000 9,000 ऐसे तक की छूट मिल जाएगी। उनकी फीस 2-3,000 रुपये नॉर्मल सीट पे भी कम होती है, लेकिन पेमेंट सीट वालों की फीस ज़्यादा होती है दोस्तों। यही है और कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, और जो कट ऑफ के रिगार्डिंग इस पर रहती है कि कट ऑफ हो सकता है कि अगर जितने स्टूडेंट वेरी करें कि स्टूडेंटों की प्रेफरेंस क्या है, कितने स्टूडेंट पेमेंट सीट चाहते हैं, उसी के प्रेफरेंस पे जो कट ऑफ होती है वो एक तरीके से इफेक्टिव होती है, प्रभावित होती है कि इफेक्ट डालता है कि कितने स्टूडेंट पेमेंट सीट को प्रेफरेंस दे रहे हैं। क्योंकि जब कैंडिडेट ज़्यादा नंबर वाले प्रेफरेंस दे रहे होंगे तो कट ऑफ जाहिर है कि नॉर्मल सीट की तकरीबन ही पेमेंट सीट की कट ऑफ जाएगी। लेकिन कई बार देखा जाता है कि स्टूडेंट प्रेफरेंस नहीं देते और वो नॉर्मल सीट से बहुत ज़्यादा पेमेंट सीट की कट ऑफ डाउन चली जाती है, लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं रहता, यूनिवर्सिटी में तकरीबन कट ऑफ सेम ही रहती है। और दोस्तों उसके अलावा मैं आपको एक और रिगार्डिंग बात बता दूं कि अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी के अंडर में कोई ऐसी कॉलेज जो अभी नई ओपन हुई है और उसमें कोई फैसिलिटी कोई सुविधाएं नहीं है, अगर आप वहाँ पेमेंट सीट डालते हैं तो सरासर आपकी मूर्खता रहेगी, वहाँ पेमेंट सीट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं होगा, आपको एक तरीके से डिग्री के नाम पर डिग्री ज़रूर दे दी जाएगी लेकिन जो आपकी पेमेंट अमाउंट आपका खर्च होगा वो आप डिग्री से वसूल नहीं कर पाएंगे, आपकी वो डिग्री को इतनी ज़्यादा काम की नहीं रहेगी दोस्तों। वो आपको वहाँ पर सीखने के लिए और अन्य फैसिलिटीज़ और एक्सपीरियंस टीचिंग फैसिलिटीज़ आपको कुछ भी नहीं मिलने वाली, तो आपसे यही गुजारिश है कि जो पेमेंट सीट आप भरें तो थोड़ी सी सोच समझ करके भरें। और उसके अलावा हमने अपनी पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर अपलोड कर रखी है, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो जा करके ज्वाइन कर सकते हैं और आप चाहें तो आप हमारी पर्सनल काउंसलिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आगे मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई ऑफिशियल अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।